फिर ट्रेन भाई साहब वो चढ़ेंगे गिर गुरागे तो भाई हाथ को टूट टाट जाए भगवान के साहब। हे भगवान भगवान जोरदार खाई है नीचे उधर पूरा ये पहाड़ी दिख रहा होगा ना आपको। अभी आग लग गया पूरा आग जला दिए है ये लोग खाना बनाने के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड सफारी के लिए और मैं ट्रेवल कर ही रहे थे जैसलमेर में और आज एक और कपल है साथ में तो हम सब जा रहे हैं वाइल्ड सफारी के लिए और फिलहाल ये है रास्ता वाइल्ड सफारी जाने के लिए। साउथ ईस्टर्न कंट्री अंडर बजट फॉर इंडियंस फॉर अस या So you are first time in India or what? First time. Yeah. Okay. Awesome. Wow. Now camel loves it. और दोस्तों अभी हमें यार डेजर्ट में और ये जो पावर ग्रिड टाइप का आप देख रहे हैं ना ये है जितने भी विंड मिल्स हैं पवन चक्की वो सबसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना वो सब स्टोर करने के लिए है और रोड के दोनों साइड खंभे में यार बिजली का तार गया है ये भाई पवन चक्की से बनने वाला बिजली है ये हाई वोल्टेज है इसलिए तार में ना कुछ कुछ लटका रख रहे हैं जो रात के समय में मतलब रिफ्लेक्ट करता है वो। अच्छा यही सब पत्थर जाता है घर बनने के लिए ये इधर इतना हरा भरा इधर सिंचाई के लिए पानी रहता है क्या? हाँ ये पानी यही बोर किया हुआ ना। अच्छा इधर मस्त बोर किया हुआ। अच्छा तो गए डेजर्ट में पूरा हरा भरा खेत है मस्त इधर ये क्या चने की किसकी खेती है? चने की खेती हुई है इधर। ओके भैया बोल रहे हैं भाई ऊंट की खुशबू वो सूंघ पा रहे हैं यहाँ से अब हम करीब पहुँचने वाले हैं। यही गाँव क्या भैया यहाँ से हम जाएंगे ये हमारे लिए तैयार हो रहे क्या? अच्छा ट्रेन बाइक को लग रहे हैं भैया और यहाँ से आगे जाना है तो जिस गांव में हमको करने आए हैं वाइल्ड सफारी वहाँ हम पहुँच गए और ये यार यहाँ ऊँट है ना ये चार ये हम चारों के लिए है भाई तैयार ये हमारे लिए ये तैयार हो रहा है तैयारी कर रहे हैं भैया लोग। एक इधर है इसके ऊपर ये सब सामान है और आज भाई डेजर्ट में रुकेंगे नो कैंपिंग भाई खुले में ऐसे आज सोना है रात में खाना पीना रात का वही होगा हमारा और बहुत एक्साइटेड भाई बहुत एक्साइटेड लेकिन यार एक चीज़ मज़ा नहीं आया मौसम यार थोड़ा बदली बदली टाइप से है अगर मौसम साफ रहता ना कड़क धूप जैसा कि रोज़ रहता है आज हमारा किस्मत सही नहीं क्योंकि अगर मौसम बहुत साफ रहता तो और मज़ा आता। तैयारी कर रहे हैं जाने का लग रहा है फॉर किड्स यस आई फॉरगॉट योर नेम व्हाट्स योर नेम फेम यू कैन कॉल मी फेम 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 ओके एंड यू फिलिप फेम एंड फिलिप या तो ये हमारे साथ है ये कपल हैं और ये हमारे ट्रेन भाई साहब और हम चारों आए हैं वाइल्ड सफारी के लिए भैया इस गांव में ये सब घरों में बिजली मतलब टीवी फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी वो सब नहीं है अभी इस घर में। अच्छा घर में फिलहाल
इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मतलब सोलर से मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए है, बाकी टीवी है ना वो सब सुविधा भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला फिलहाल अभी इस घर में नहीं है। और भाई बिफोर कैमल राइड अभी हमारा चल रहा है सेल्फी सेशन। चपाती नाउ टाइम फॉर वेयरिंग टर्बन। टर्बन टर्बन मीन्स दोस्तों यहाँ का राजस्थानी पगड़ी लोकल, तो वो अभी हम पहनेंगे उसके बाद जाएंगे कैमल राइड में, और जो कि होने वाला है भैया बताए आधा घंटे से भी ज़्यादा होगा, आधा पौन घंटा कुछ का कैमल राइड है। यहाँ से भैया जिप्सी लेके जाएंगे, ये जीप लेके जाएंगे जहाँ हम आज रात में रुकने वाले हैं बीच डेजर्ट में, और हम यहाँ से जाएंगे अब ऊट में। सो टेंट ब्रदर आर यू एक्साइटेड? ब्रदर आर यू एक्साइटेड? राजस्थानी पगड़ी फिर जाएंगे कैमल राइड में। नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगा। थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच सो मच। और भाई हमने भी यार पगड़ी पहन लिया ट्रेंड भाई साहब, कभी हो गया हम सबको हो गया, और एक सेल्फी इसके साथ। यस ट्रेंड भाई कम ब्रो, वन अनदर सेल्फी विद दिस। यस योर फोन, वेयर इज योर फोन? या थ्री चपाती चपाती ब्रो प्लीज गो प्लीज गो। अभी ट्रेन भाई साहब ऊंट चढ़ेंगे, ब्रदर केयरफुल। चलिए भाई इन दोनों का हो गया। यार कितना हाइट है यार, मुझे लगा था इतना ऊंचा नहीं होगा। अब मेरी बारी, ब्रदर हाउ आर यू फीलिंग? ओ भाई मेरी बारी, इधर ना पीछे आगे 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 हां पीछे को ले बैठो। ये वाला नहीं, यहां से रस्सी थी क्या गई जम हो गई। अच्छा ये रस्सी ना देखो, हां एक ये नहीं एक ये आगे से। अच्छा हां ओ भाई साहब बहुत डर लग रहा है मुझे। ओ भाई मेरी फट रही है यार, हे भगवान मैं गिरू मत। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे राम, ओ माय गॉड, हे भगवान बचा ले। यार मैं कैमरा अपने तरफ घुमा भी नहीं सकता, अभी डर लग रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई भैया ओ भाई मैं कैमरा अपने तरफ भी नहीं कर सकता, डर के मारे अभी नेट भैया यार गिरेंगे तो नहीं ना। अब ये पैर को छटकार क्यों रहे हैं यार? वुड भाई लव यू ब्रो, गिराना मत बस। ट्रेन ब्रदर आई एम स्केयर्ड। ओ भाई साहब ब्रदर हाउ आर यू फीलिंग? ओए भगवान हे भगवान, राम 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 राम। अभी थोड़ा खड़ा हुए, मेरी फट रही है भाई। ओ भाई साहब और देखो नीचे पूरा ना पत्थर पत्थर है, इधर गिरा तो हाथ पैर टूट गए। ओ भाई साहब
हे भगवान हे भगवान हे भगवान, मैं लेफ्ट साइड के लिए नहीं पकड़े हो, गिर गुरा गए तो भाई हाथ को टूटा जाए भगवान के साथ। नहीं 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 यार, अब लगा तिहारा कला धीरे धीरे पा जाऊँ मैं यहाँ। अरे अरे वाह यार, मतलब बस थोड़ा आगे पीछे वही, फिर बाकी सेफ है, वही सेफ है। ओ भाई साहब, अब सही है, अब सही है। फिलिप ब्रदर, आर यू ओके? या आई एम फाइन मैन, यू? आई एम ओके। यस यस यस, स्लोली स्लोली भाई, फट मेरी रही, मैं पूछ रहा हूँ फिलिप भाई से। अच्छा ये पूरा हिलता रहेगा, अपने को बस जिधर हिलना है ये ऊँट जैसा हिलेगा, बस थोड़ा सा मेंटेन करना है बॉडी को, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, एकदम शांत छोड़ दीजिए अपने बॉडी को। अब ठीक है भाई, हाय डर आगे रहने यार, कसम से यार, मेरा वाला ऊँट लाइन में क्यों नहीं है भाई, वो तीनों ऊँट एक लाइन में चल रहे हैं। अब लग रहा है मैं धीरे धीरे मतलब कंफर्टेबल हो रहा हूँ। केमल राइड भाई, जिंदगी में पहली बार दिस केमल इज अवे फ्रॉम द लाइन, बट वाई आई डोंट नो। यार ये ऊँट लाइन के पीछे किए नहीं है भाई, वो तीनों ऊँट मस्त एक साथ चल रहे भाई, मैं किसी की नहीं सुनता वाला ऊँट तो नहीं है ना ये, ये देखो वो तीनों ऊँट मस्त एक साथ चल रहे, और ये वाला ऊँट पूरा लाइन तोड़ के भाई। यार मौसम ना आज बदली बदली वाला है, एकदम मौसम साफ रहता तो और मज़ा आता, गजब का व्यू आता। डेजर्ट राजस्थान जैसलमेर, और मेरा फर्स्ट टाइम इन फिलिप। ब्रो यू एंजॉय? एंजॉय बिकॉज फर्स्ट टाइम फॉर मी, सो इट्स एडवेंचर फॉर मी। या अब सही है भाई, लाइन में आया यार, अब चारों ऊँट एक साथ चल रहा है, हाय अब सब सही है वही। भाई सनसेट हम नहीं देख पाए, अफसोस, लेट हो गया, मौसम भी ख़राब, और आसपास में इधर सब बेर का पेड़ है, चारों ओर यार पहाड़ है, दिखाई दे रहा है छोटा रेत का टीला ही है चारों ओर, और ये बीच में पूरा प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है। ओ भाई साहब ये कुत्ता भी चल रहा है हमारे साथ, आ जाओ भाई सुरक्षा के लिए हमारे, यार कोई जानवर आ गया तो आ जाओ यार, सनसेट का दर्शन करा दो भाई। आराम से ऊँट भाई, लव यू यार, थैंक यू सो मच एक्सपीरियंस कराने के लिए और मुझे सुरक्षित ले जाने के लिए। ब्रदर प्लीज यार फॉलो द रूल। ये भाई इसको पहले जाना है, प्लीज यार पीछे चलो यार। ओ भाई बेर का पेड़ है, सावधानी से कांटा लगेगा। ओ भाई कांटा लग गया, चलो ज़्यादा नहीं हुआ, ये अच्छा है। यार ये ऊँट भाई साहब खतरनाक है भाई, ये देखो वो तीनों ऊँट मस्त प्यार से उधर चल रहे हैं, ये वाला भाई। और यहाँ फिलहाल हम ही अकेले नहीं, इधर और ऊँट है, पहले से लग रहे हैं और भी गेस्ट को लेके आए हैं इधर। ओ भाई लाइन में चल ब्रदर, लाइन में चल, दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं, भगवान कसम गिर गुरा गए तो बारह पाँव चल देंगे।
ओ भाई एकदम डिस्क ब्रेक मार रहे कसम से। अरे और इधर देखो पूरा खाई है भाई, ये कैमरा में ये कितना लग रहा होगा पता नहीं, पर ये जोरदार खाई है नीचे उधर पूरा, ये पहाड़ी दिख रहा होगा ना आपको। ओह भाई साहब खतरनाक ब्रेक मार रहा है। थैंक यू यार वुड ब्रदर, थैंक यू सो मच इस तरह से स्लोली ले जाने के लिए। और यार हम तो मजे ले रहे हैं भाई, लेकिन ये बेचारे मतलब इतना चढ़ाई में, इतना ढलान में, खड़ी ढलान में कसम से गेस्ट को, इंसानों को अपनी सर्विस देता है भाई। हाँ सल्यूट है यार रेगिस्तान के जहाज उठ भाई को। हाँ थोड़ा सा प्लेन आया, लग रहा है आगे फिर चढ़ाई मत आ जाए। और हो रहा है सनसेट का टाइम। और भाई ऐसे पहाड़ के नीचे नीचे से हम लोग किधर जा रहे हैं पता ही नहीं है कसम से। ये नागफनी केक्टस, ये रेत का टीला की ये निचला हिस्सा है, खाई है समझिए, पूरा घाटी वाला एरिया चल रहा है अभी। और पवन चक्की का जोरदार सरसर हवा चल रहा है, क्योंकि बहुत स्पीड से हवा चल रहा है तो पवन चक्की घूम रहा है और उसका पंखा वाच कर रहा है। ओ भाई साहब उठ भाई साहब, लाइन में चलना है यार, दोनों साइड के एकटा से कसम से पैर में लगा तो बच गए। चलो ये अच्छा बात है भाई कि शाम होते होते वापस आ गए। और यार फिर से थोड़ा खाई जैसा है यार, नाला लग रही है मुझे, एक आया रीमा के पेड़ का हुक पता चल नहीं है। इधर पूरा पत्थर है भाई, ये नाला है ये पूरा, और इसमें से हम जा रहे हैं, ये ऐसा रास्ता है, कितना मुश्किल होता होगा है ना यार इनके लिए। हम आके भाई मजे करके चले जाते हैं, ऊँट सफारी फलाना सफारी। और ये भाई इतना वजन ढोते हैं पूरा सामान के साथ, हम इंसानों का भी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, पत्थर वाला इलाका लगभग ख़त्म हो गया, इधर पे पूरा रेत है ज़मीन पूरा, इधर की झाड़ी है, घास फूस है, केक्टस है, नागफनी, और सामने में पूरा सैंड ड्यून्स, रेत सिर्फ रेत है, वो छोटा छोटा रेत का टीला, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि आसपास झाड़ी है घास वास, लेकिन छोटा छोटा टीला है जो प्योर पूरा रेत का ही है। ये देख सकते हैं ऐसे पूरा आसपास के एरिया, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। टीला सिर्फ रेत, ये देख सकते हैं उधर पूरा, मतलब थोड़ा प्लेन एरिया से हम लोग ऊपर आ गए हैं, ये पूरा रेत है भाई। हवा करते जा रहे तो पूरा उड़ के खिसकते जा रहा है रेत अपने आप। जगह लग रहा है यार, इधर लकड़ी वगैरह पड़े, उधर खटिया है भाई, खटिया तिरपाल लग रहा है, यही वाला प्लेस है। हाँ यही वाला है भाई, हम रुक गए हैं, रेत का टीला, ऊंट, रेगिस्तान, ऊंट की सवारी।
भाई 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 भाई। थैंक यू सो मच हेलीकॉप्टर भाई। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस टेंट? अरे उठ भी जाओ। Legs, man. I can't explain how much it hurts right out here. Finally, dosto, pahunch gaye. Cooking fire there. First, we're cooking chai now. Nice. Chai. Yeah, chai first, chai after something else. तो ये दोस्तों हमारा कैंप साइट, यहाँ बनेगा हमारा खाना, इधर होगा कैंप फायर। नेचुरल फूड, वी कुकिंग ऑन द वुड फायर। अच्छा, फ्रेश फूड, लकड़ी से बनाएंगे तुरंत यहाँ। फूड आल्सो वी बाय फ्रॉम द सिटी। अच्छा, वी कुकिंग हियर ऑन द वुड फायर। सबसे पहले क्या बना रहे हैं भैया? चाय। अभी चाय? यस भैया, सबसे पहले कुकिंग द चाय, आफ्टर राइस, दाल, मिक्स वेजिटेबल, चपाती, स्पाइसी, ऑल लॉट ऑफ थिंग्स, पकौड़ा। पकौड़ा, बहुत बढ़िया। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम टाइगर। टाइगर, वाह, टाइगर जिंदा है, बढ़िया नाम है। आपका? मेरा सूर्यकांत। सूर्यकांत, हाँ सूर्यकांत। तो यहाँ अभी हमारा खाना पीना, फिर रात में इधर बैठिए, हम सोना है, कैंप फायर पूरा आग जलाएंगे। ट्रेंड ब्रो, लेट्स कम सनसेट व्यू टू क्लिक फोटो, सम फोटोज विद सनसेट। ओके भैया, चलिए भाई। जूता धंस रहा है, ये जूते के अंदर जाएगा। आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे। Wow, what a view. ये है यार इधर का व्यू, रेत का टीला, वाइल्ड सफारी, कैंपिंग, बीच रेगिस्तान में। ओह बड़ा मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम सर 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 सर, बहुत खतरनाक वाली। रात को कड़ाके की ठंड पड़ेगी भाई। और भाई 10 मिनट भी नहीं हुआ, ये देखिए पैर का जो निशान बना था ना, वापस फिर से एक जैसा होने लगा है, जैसा उधर का दिख रहा है। चलिए ट्रेन भाई साहब अपना उड़ाएंगे यहाँ ड्रोन, सनसेट टाइम कैप्चर करेंगे। ये रख दिए जीप के ऊपर में और हो गया ड्रोन स्टार्ट पल भर में। और वहां है हमारा कैंप साइट 150-200 मीटर पीछे। हम चढ़कर आ गए हैं अभी अभी इधर रेत के टीले में। और सूर्यदेव यार छिप गए जल्दी से, अभी सनसेट का ना पूरा टाइम नहीं हुआ है, मौसम खराब है भाई, बदली बदली वाला मौसम है, इसलिए फुल हवा चल रही है। हम ये इधर अभी पैरों का निशान था, देखो ट्रेन भाई उधर है, मैं यहाँ पे हूँ, बीच में पैर का निशान लगभग मिट गया है। फुल तेजी से भाई हवा चल रहा है, सर 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 सर, एकदम ठंडी हवा, पूरा रेत का टीला, रेत ही रेत चारों ओर। क्या व्यू है भाई साहब, रेत ही रेत चारों ओर। और भाई हमारे घूम घाम के आने तक इधर कैंप साइट पूरा तैयार है, इधर आग जलाएंगे रात में। इट्स टी टाइम, इधर पूरा गद्दा वद्दा लगा के भी। धन्यवाद भैया, ओ भाई साहब इतना बड़ा कप, इधर पूरा आग जलाए हैं। खाने की तैयारी है ये सब, रात में पता नहीं क्या क्या खाना बनेगा, फुल तैयारी। और फिलहाल चाय इंजॉय करते हैं। ट्रेन भाई साहब उधर से आ रहे हैं, कम ब्रो। चीयर्स। वाह
तो भाई आग यहाँ जलाया जा चुका है. What? But just now you went in a desert. After Jaisalmer. Your question is after Jaisalmer. No, my question was just now you are going to the desert because you are already here for a month, right? Because lot of work in the hotel. Hotel is full. Hotel was packed full. Yeah. The hotel. They're good. They give us a place to live. They're nice people. They give us food. But they ask us to work quite a bit. Aur train bhai sahab idhar ka raha hai nadda. Pongdi. अभी आग लग गया, पूरा आग जला दिए है. भैया लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और हम चाय पी रहे हैं और ये खा रहे हैं. भाई जूते में सबसे पहले रेत घुस गया है, वो निकालते हैं यार. ओ भाई, for me, I was in Delhi. I wasn't loving it. The solution... पकोड़ा. पकोड़ा. यस, तो भाई अभी आ गए भजिया पकोड़ा. It's safe. Because in India, in ancient time, a child marriage. Yeah. This time education is good in India, so people slowly educated in everywhere. So now, after 20 years or 25 years after education and after job, we'll marry. Okay. Yeah. I went to an arranged marriage in New Delhi. भैया, दो तीन महीने मैं रहूँ तो मैं भी अंग्रेजी सीख जाऊँगा यार. मुझे सीखना है अंग्रेजी. पूरा नहीं आता, थोड़ा. Now they have a great, they love each other and have a good relationship. Oh, perfect. Snacks are really good. Yeah. Yes. I'm just seeing that guy. If my English is very good, then I talk you very well. So this time my English is not very good. I'm just, yes. I'm a beginner in English, improving slowly. Okay. Yes. You know the word, right? So. Yeah. Brother, for you. I make pictures, you guys. Yeah.